नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिकर्णिका और ठाकरे के डे 10 के ओवरसीज के और वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन के बारे में, और इस दोनों में से कौन सी फिल्म हिट रही और फ्लॉप। तो इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। दोस्तों, इस फिल्म में लीड रोल में कंगना रनावत और अंकिता लोखंडे जैसे स्टार देखने को मिले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कंगना रनावत ने और क्रिश ने। इस फिल्म की स्टोरी लिखी है केवी विजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों, केवी विजेंद्र प्रसाद इससे पहले बाहुबली और बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्टोरी लिख चुके हैं। दोस्तों, इस फिल्म का जो बजट है वो 125 करोड़ बताया जा रहा है, और ये फिल्म इंडिया में 3 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी, तमिल और तेलुगु। इस फिल्म का जो स्क्रीन काउंट इंडिया का है वो 3000 है, और ओवरसीज का जो स्क्रीन काउंट है वो 700 है। इस तरह इस फिल्म का टोटल स्क्रीन काउंट 3700 है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इसके कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी ने फर्स्ट वीक में 61 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया था। उसके बाद डे 8 को इसने 3 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया है, डे 9 को 5 करोड़ 25 लाख का, और डे 10 का अब तक का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों वो वॉपिंग आउटस्टैंडिंग कलेक्शन आ रहा है, 7 करोड़ आ रहा है। इस हिसाब से मणिकर्णिका का इंडिया का टोटल नेट कलेक्शन होता है 76 करोड़ 90 लाख, और इस फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 94 करोड़ है, और इस फिल्म ने विदेशी मार्केट यानी कि ओवरसीज में 22 करोड़ का कलेक्शन किया है। और दोस्तों, इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है वो 116 करोड़ हो रहा है। दोस्तों, अभी इस फिल्म को हिट होने के लिए 150 करोड़ चाहिए तो ये फिल्म हिट हो पाएगी। अगर आपको लगता है कि ये फिल्म हिट होगा हो पाएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ठाकरे फिल्म के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में लीड रोल में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी वाइफ का रोल अमृता राव करते नजर आई है। इस फिल्म की जो स्क्रीन काउंट है वो 1800 है। ये फिल्म इंडिया में 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, मराठी और हिंदी, और इस फिल्म का जो बजट है वो 30 करोड़ है, और इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की है। दोस्तों, इस फिल्म को रिव्यू भी बहुत बड़ा आया है। चलिए इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ठाकरे फिल्म ने ओपनिंग डे में 6 करोड़ का कारोबार किया था, उसके बाद डे 2 में 10 करोड़ का, और फर्स्ट वीकेंड में 23 करोड़ का। इस तरह इस फिल्म का फर्स्ट वीक का जो कलेक्शन था वो 32 करोड़ था। फिर उसके बाद इस फिल्म ने डे 8 में 1 करोड़, डे 9 में 1 करोड़ 40 लाख, और डे 2 का जो डे 10 को कलेक्शन आ रहा है वो 2 करोड़ आ रहा है। इस हिसाब से ठाकरे फिल्म का इंडिया का टोटल कलेक्शन होता है 37 करोड़। दोस्तों, ये सुपर डुपर हिट हो गई है। दोस्तों, ये दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म पसंद आई और ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। जय हिंद।